Assalamu alaikum, students. We were studying pollution of water. My dear students, today we have discussed what are the main causes of water pollution. Today, dear students, we will discuss how we can control water pollution. Because you know, my dear students, the polluted water is very hazardous to we people. It is very harmful to we people. Because many diseases, many waterborne diseases like typhoid, like cholera, diarrhea, gastroenterites are caused by the polluted water. And my dear students, this polluted water also affects the aquatic food chain. It has lot of harmful effects. This polluted water has lot of harmful effects on we people. The potable water, the drinking water becomes sick, my dear students. And what we have to do in order to preserve our water bodies, we have to control the water pollution. Water pollution control karna bahut zaruri hai. Agar hum water ko pollution se nahi bachayenge, within no time hamare paas jo bhi potable water hai, drinking water hai, ye sara khatam ho jayega. Aap jante hai, hamare earth's crust pe water bahut zyada hai, lekin पोर्टेबल कुछ भी नहीं है, फिट फॉर ड्रिंकिंग कुछ नहीं है. सीज ओशंस में जो वाटर है वो हम पी नहीं सकते, बिकॉज उसमें सैलिनिटी ज्यादा है, साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ज्यादा पोल्यूशन कौन करता है? सीवेज वाटर जो मैंने परसों पढ़ा, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल फील्ड या पेस्टिसाइड्स, हम उन्हीं को कंट्रोल करेंगे. जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल एट सोर्स, हम सोर्स पे ही कंट्रोल करेंगे. Control at source. Control at source. सबसे बेहतरीन चीज जो है जिसे वाटर पोल्यूशन हम बचाएंगे वो हम सोर्स से ही कंट्रोल करेंगे. जहां से निकलता है वहीं से कंट्रोल करेंगे. तो पहला मेजर जो हम म्यून गोबर कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन में करेंगे, सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली. सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्टस शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली. डियर स्टूडेंट्स, सीवेज और डोमेस्टिक वेस्ट सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, आप वो जानते हैं. क्योंकि हमारी किचन से, हमारे वॉशरूम से डिटर्जेंट, सोप्स, वेस्ट, गार्बेज, चाहे मम्मी काउडंग केक्स, एग्रीकल्चर, ये ना वो वेस्ट सब्जी जो मतलब हम सोरी छा आबस मजन, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है. तो अगर हमें कंट्रोल करना है वाटर पोल्यूशन को, हम क्या करेंगे, हमें इसी सीवेज वाटर डोमेस्टिक वेस्टर्स को म्यून गोबर डिस्पोज ऑफ करेंगे प्रॉपरली. मतलब हम बनाएंगे सीवेज प्लांट्स, सीवेज वाटर टैंक, सीवेज प्लांट्स बनाएंगे, ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज बनाएंगे, प्रॉपर ड्रेनेज करेंगे म्यून गोबर, जिसकी वजह से म्यून गोबर सीवेज प्लांट्स बनाएंगे, प्रॉपर ड्रेनेज करेंगे, जिसकी वजह से सीवेज और डोमेस्टिक उसमें हम नहीं जाने देंगे वाटर बॉडीज में. मतलब डिटर्जेंट, सोप्स, वॉशरूम का जो पानी वो वाटर बॉडीज में नहीं जाने देंगे, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बच जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी. दिस इज फर्स्ट स्टेप. दूसरा, प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल वेस्टस डिस्चार्ज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज. जो इंडस्ट्रीज से जो वो निकलता है ना केमिकल वेस्टस, इफ्लुएंट्स, जो केमिकल वो डायरेक्टली एक मटेरियल डालते हैं किसमें, हाँ म्यून गोबर, हम करेंगे इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, एक मैनेज करेंगे हम इनको, हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज में नहीं डालेंगे. अगर डालेंगे भी, लेकिन जो हजारस केमिकल्स है उनको हम एलिस्टेट करेंगे, वहाँ से उनको हम बाहर निकालेंगे, उन वेस्ट से हम वहाँ जो टॉक्सिसिटी है उसकी वो हम ख़त्म करेंगे. फिर अगर वाटर बॉडीज में जाएगा भी वो ज़्यादा केमिकल पोल्यूशन नहीं करेगा. आर यू गेटिंग मी माय डियर स्टूडेंट्स? तीसरा वाला पॉइंट, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्टस कैन बी ट्रीटेड
can be treated in biogas plants. जो ह्यूमन और एनिमल वेस्टस है इनको वाटर बॉडीज में मत डालो, इनको हम ट्रीट कर सकते हैं बायोगैस प्लांट्स में. किन में? बायोगैस प्लांट्स में, जिसकी वजह से हमें बायो फर्टिलाइजर मिलेंगे, बायोमैन मैनवर्स मिलेंगे और वाटर पोल्यूशन भी बच जाएगी. चौथा वाला स्टेप, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्ट शुड बी अवॉइडेड. एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड pesticides should be avoided. जो फर्टिलाइजर है, एक्सेसिव फर्टिलाइजर है, और जो pesticides जो हम अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हम स्प्रे करते हैं अपने बागात में, इनको हम अवॉइड करेंगे. बिकॉज म्यून गोबर, जितना ज्यादा फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं, यूरिया, पोटैश, कैल्शियम कार्बोनेट, जितना भी हम यूज कर रहे हैं, वो डायरेक्ट वाटर बॉडीज में जाता है ड्यू टू एग्रीकल्चर रन ऑफ. जब मेन बारिश पड़ती है तो इन एग्रीकल्चर और पेस्टिसाइड्स जो वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा करते हैं, हम क्या करेंगे, हम इनको वहां से जाने नहीं देंगे, ये तो खुद जाएंगे. हम क्या करेंगे, हम इनको कम करेंगे. हम म्यून गोबर बायो फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे या बायो मैनवर्स यूज करेंगे, जो ज्यादा वाटर पोल्यूशन नहीं करते हैं. समझ है इवन? सॉइल इरोजन शुड बी कंट्रोल्ड. लास्ट वाला स्टेप, सॉइल इरोजन जो है, जो ऊपर जो हमारे माउंटेन्स है वहां से सॉइल इरोजन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वाटर, हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाएंगे, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं ज्यादा होगा और म्यून गोबर उससे क्या होगा, हमारा जो वाटर है वो बच जाएगा. और म्यून गोबर, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्री शुड बी मेड फार फ्रॉम वाटर बॉडीज. इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जो है, इनको हम वाटर बॉडी से बहुत दूर रखेंगे. बिकॉज ये तो डालेंगे, अगर वाटर बॉडीज बैंक पे ही रहेंगे, फॉर एग्जांपल झील डल है हमारा, ताचो हाउस बोट उसी में, वो ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, या होटल उसके बीच पे है तो वो उनको ज्यादा ड्रेनेज जल्दी डालते हैं, उसमें इजी हो जाता है. अगर अब होटल बहुत दूर हो, उसको हैक्टिक हो जाएगा उसमें डालना वो वेस्ट मटेरियल. दैट इज व्हाई म्यून जुगर, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को हमें बहुत दूर रखना होगा वाटर बॉडी से, जिसकी वजह से हम वाटर म्यून वाटर को पोल्यूशन से बचाएंगे. तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर बॉडी डिजीजेज इन अनदर लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.